वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मई 2024 एग्जाम के लिए। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन इसके आईसीए बनाने वाले हैं, क्योंकि आईसीए के वेटेज में इसको मिली है सेपरेट कैटेगरी। आईसीए के कीवर्ड्स मैंने मार्क करवाए और फन मेमोरी टेक्निक्स के साथ पूरा का पूरा चैप्टर आपके भेजे में घुसा देंगे आज। बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। क्या करते हैं सर जी, एसडीजी और ईएसडी एश्योरेंस को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से अपन लोग पढ़ने आए हैं। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जी। ठीक है सर, ये सब इररिलेवेंट है, आगे का कचरा है, सब कुछ फालतू का है, काट दो, सीधे सीधे आओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे। ठीक है सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, दोस्तों के साथ कर देना शेयर और कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+। सर ऑडिट में इस बार भौकाल मचा देंगे सर। ठीक है सर, मैंने बोला हां जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा इन 4 मार्क्स क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होगा ना, जो आपका 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आएगा ना, उसमें से 1 मार्क के लिए होगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, खाली कीवर्ड्स को देखना। प्रेजेंट मोमेंट्स की नीड को मैं फुलफिल कर रहा हूं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं ना, आप अभी की अपने रिसोर्सेज की नीड को फुलफिल करो, यानी कि आपको भी पानी यूज करना है, आपको भी बिजली यूज करनी है, तो आप यूज करो, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग करंट एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी कि सोच समझ के यूज करो। ऐसे मत यूज करना कि आगे वाली जनरेशन को कम पड़ जाए। अगला सवाल है 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये सारे के सारे कीवर्ड्स मैंने मार्क करें जो कि आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, 3 तरह के पिलर होते हैं, ESG, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। सबसे पहली बात आती है एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट में वो बात होगी पर्यावरण के बारे में, यानी कि क्लाइमेट पॉलिसीज। क्लाइमेट सर, क्लाइमेट समर विंटर, एनर्जी यूज, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट पॉल्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी एनवायरमेंट के बारे में बात आएगी। ये सारे कीवर्ड्स अपने आईसीए को दिखा दिए ना, आपको बिंदास मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, एनवायरमेंट में किसकी बात आएगी सर, पर्यावरण के वास्ते, पर्यावरण। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी, एनवायरमेंट बोले तो पर्यावरण। उसके बाद आती है सोशल। सोशल यानी कि मैं लोगों से कितना सोशलाइज कर रहा हूँ, यानी कि मैं मेरे सप्लायर से, मैं मेरे कस्टमर से, मैं मेरे एम्प्लॉय से कितना सोशलाइज कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या कीवर्ड अंडरलाइन करे, रिलेशनशिप, यानी कि मेरी क्या रिलेशनशिप है मेरे सप्लायर से, मेरे कस्टमर से, मेरे एम्प्लॉय से। रिलेशनशिप किसके साथ, मैंने बोला पीपल के साथ एंड इंस्टीट्यूशन के साथ। इंस्टीट्यूशन यानी कि मान लो मेरे लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंक वगैरह जिससे मैं लोन ले रहा हूँ। ठीक है, लेबर रिलेशन, लेबर रिलेशन यानी भैया कि एम्प्लॉयज और डाइवर्सिटी। ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको दिखाने हैं। ठीक है सर, अगला आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि इंटरनल सिस्टम, यानी मैंने इंटरनल क्या रूल्स बनाए हैं। पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में SOP होते हैं, आप आर्टिकलशिप जिधर करने गए होगे उधर भी SOP होंगे। सैटरडे संडे आप फॉर्मल में नहीं आओगे तो चलेगा, राइट सर? ऐसे क्या होता है इंटरनल सिस्टम। देखो क्या ये इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स एंटिटी एडॉप्शन ऑर्डर टू गवर्न इटसेल्फ, खुद को गवर्न करने के लिए। जैसे कि आपके आर्टिकलशिप फॉर्म में था ना कि सैटरडे को कैजुअल पहन के आओगे तो चलेगा, तो अपने आपको गवर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, लॉ के साथ कंप्लाई करते हैं। ठीक है सर, इंटरनल सिस्टम यानी कि आ जाएगा आपका गवर्नेंस। ठीक है सर, फिर सब कचरा है उसको काट दो। अब बात समझो ESG में क्या हो रहा है, ESG रिपोर्टिंग में क्या हो रहा है ना, इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो रहा है। वो तो अपने देखा ना, 3 प्रकार की इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर हो रहा है, ES और G, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। और ESG रिपोर्टिंग कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। सर क्वांटिटेटिव यानी कि रुपए वाली, और क्वालिटेटिव यानी कि बिना रुपए वाली इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला ठीक है सर, ये तो बहुत इजी था। अगला 17 SDGs जो कि आपको MCQ के लिए क्या है, जरूरी है। MCQ में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट SDG, तो आप लिख सकते हो। देखो क्या इसका मेमोरी टेक्निक है, 17 सेफिल, 5C, 3E, 3P, 2H, 2I, 2L लिखा हुआ है सेफिल, CEPHIL, सेफिल, CEPHIL, 533222, 533222, मेरे पीछे रिपीट करो, 533222 सेफिल, 533222 सेफिल। इसका मतलब क्या है ना सर, 5 है सी वाले पॉइंट। अगर आप देखो तो देखो पहला सी वाला पॉइंट क्या है, तो मैंने बोला क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और क्लाइमेट एक्शन। ये हो गए मेरे सी वाले पॉइंट। उसके बाद 3 है मेरे ई वाले पॉइंट, कौन से, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद 3 है मेरे पी वाले पॉइंट, पी वाले यानी कि नो पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, उसके बाद है मेरे 2 एच वाले पॉइंट, जीरो हंगर और गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद 2 है मेरे आई वाले पॉइंट, आई वाले पॉइंट यानी कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, और दूसरा है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2 है मेरे एल वाले पॉइंट, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। ठीक है सर, ये सारे के सारे आपको खाली 2-2, 3-3 बार पढ़ लेने MCQ पर्पस के लिए, और शायद अगर डिस्क्रिप्टिव में पूछा, जो कि मेरे को नहीं लगता है पूछेंगे, तो भी आपको 4-5 तो ऐसा याद होने चाहिए मुंह पे। और ये सेफिल वाले टेक्निक्स आप याद कर देना, आपको हो जाएंगे, 3-4 बार पढ़ोगे सीधे आपके भेजे में घुस जाएंगे। 17 सेफिल इसका है मेमोरी टेक्निक। ग्लोबल ट्रेंड्स एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग अगला क्वेश्चन, अब बात बड़े ध्यान से समझना ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में। ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में जो बात है, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा जूम कर देते हैं अपन इसको। ठीक है,
ग्लोबल ट्रेंड्स इन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, पूरे ग्लोब के बारे में बात कर रहा हूँ, सारी कंट्रीज के बारे में बात करूंगा। तो देखो बात ऐसी है ना कि मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क कौन सा, ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो मैंने बोला है वो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या है सबसे पहला? ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंपनियां इसको यूज करती है अपना ESG एश्योरेंस दिखाने के लिए। तो कौन कौन यूज करता है? Having 93% of the world's largest 250 corporation, यानी कि दुनिया की 250 कंपनियां जो है ना सबसे बड़ी वाली, उसमें से 93% तो यूज करती है GRI फ्रेमवर्क, यानी कि बाकी की 7% ऐसी है जो कि दूसरा यूज करती है, ठीक है। ये 100 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में यूज किया जाता है, और ये किधर बेस्ड है? तो मैंने बोला एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स में ये बेस्ड है। मैंने बोला ठीक है सर समझ गए। तो पहला तो जैसे कि अपन ने पढ़ा कौन सा है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव कौन सा है? मैंने बोला मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क जो कि अभी अपन ने पढ़ा ना वो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। जीआरआई में है ना सी की बात होती है सर, सी की बात होती है यानी कि सोशल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक इंपैक्ट्स की बात होती है। जीआरआई में किसकी बात होती है? सी की बात होती है। उसके बाद अगला आता है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, जिसको मैं बताऊँ CDP, इसमें होती है एनवायरमेंट की बातें। एनवायरमेंट की बात यानी कि GHG एमिशंस, वाटर, फॉरेस्ट, सप्लाई चेन। अगर आप देखो ना एनवायरमेंट की सारी बातें हो रही है, पानी, जंगल, समझ रहे हो, GHG एमिशंस यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है ना, GHG, समझ रहे हो। मैंने बोला हाँ जी सारी एनवायरमेंट की बातें होती है हमारे कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में। और कार्बन, कार्बन फुटप्रिंट पता है आपको, तो उसके नाम में भी कुछ ऐसा एनवायरमेंटल आ रहा है, कार्बन डिस्क्लोजर। तो मैंने बोला हाँ जी, इसलिए क्या होती है एनवायरमेंट की बातें, एनवायरमेंट में कार्बन वगैरह आते हैं ना, कार्बन फुटप्रिंट होती है, ठीक है। बोलते हैं फ्रिज नहीं चलाना चाहिए, एसी नहीं चलाना चाहिए, वो सारी बातें, ठीक है। उसके बाद अगला आता है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या होती है? बिजनेस की बातें होती है। बिजनेस की बातें इन द सेंस इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होती है ना इंटीग्रेटेड रिपोर्ट प्रोड्यूस होती है। इसमें सारी बिजनेस की बातें होती है, ऑर्गेनाइजेशनल रिव्यू, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस आउटलुक, ठीक है। सारी बिजनेस बिजनेस की बातें होती है, देख लेना। बाकी तो देखो नीचे कुछ भी काम का नहीं है। अगर आपको शॉर्ट नोट आए लिखने का ग्लोबल ट्रेंड्स एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, इतना आपको लिखना है, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ जी कुछ भी काम का नहीं है। नीचे आओ डायरेक्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर May 24 एग्जामिनेशन। देखो सर मेमोरी टेक्निक, हिज फादर मदर नानी, हिज फादर मदर नानी, हिज का देखो तीनों लिया है HIS, फादर का F लिया है, मदर का M लिया है, नानी का क्या लिया है N लिया है। अब देखो 6 C's होते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के, इसको मैं 6 कैपिटल्स बोलता हूं, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। 6 C's ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में डिस्कस करूँ, 6 कैपिटल के बारे में डिस्कस करो। हिज फादर मदर नानी, तो हिज का पहले लूंगा H, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में किसकी बात चलती है सर? लोगों की बात चलती है, यानी कि लोगों के स्किल्स। तो मैंने बोला मेरी क्या स्किल है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो लोगों का एक्सपीरियंस, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो मान लो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत सारा काम किया उसके बारे में। फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर बात होती है, जो जनता का हक होता है ना, साडा हक, एथेरक, बस वही ह्यूमन राइट्स के बारे में इसमें क्या होती है, बात होती है। उसके बाद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी कौन बनाते हैं? लोग ही तो बनाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की स्ट्रेटेजी कौन बनाते हैं? लोग बनाते हैं। और लॉयल्टी और मोटिवेशन, लोगों में क्या होती है? लॉयल्टी होती है। लोगों में क्या होता है? मोटिवेशन होता है। लॉयल्टी एंड मोटिवेशन फॉर इंप्रूविंग प्रोसेसेस, गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू लीड एंड कोलैबोरेट, यानी कि लोग क्या करते हैं, लीडरशिप में लीड करते हैं, वो लोग कोलैबोरेट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, लॉयल्टी वाले काम रहते हैं। तो पहला ये ह्यूमन कैपिटल, हिज फादर मदर नानी। अगला क्या आता है? आई। इसके बाद क्या आता है? इसमें अगला H फॉर हो गया ह्यूमन कैपिटल, I फॉर हो गया इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आती है सारी इंटेंजिबल असेट्स, बोले R&D का खर्चा हो गया, इनोवेशन कुछ कर रहे हैं, HR हो गया, ठीक है सर। ये सारी क्या है ना, सारी की सारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल में इंटेंजिबल असेट्स आती है। लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, इसमें सब कैसे आता है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वाली जितनी भी सारी बातें हैं ना, वो आती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल में, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ। अगला आता है सोशल कैपिटल, बोले तो समाज, ये जो समाज है ना हमारे आसपास, वो होता है सोशल कैपिटल। हिज फादर मदर नानी में अगर आप देखोगे तो पहला हो गया ह्यूमन कैपिटल, फिर इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अब अगला क्या आता है सर? समाज, समाज बोले तो सोशल कैपिटल। समाज यानी कि मेरा क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके साथ? तो मैंने बोला सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉइज के साथ मेरा क्या रिश्ता है, उस बारे में इसमें आती बातें। रिलेशनशिप किसके साथ? तो मैंने बोला कम्युनिटीज के साथ। कम्युनिटीज इन द सेंस सप्लायर्स के साथ, मेरा कस्टमर्स के साथ, मेरा एम्प्लॉइज के साथ क्या रिश्ता है? कॉमन वैल्यूज एंड बिहेवियर, ठीक है। मेरे को क्या देखना है? लोगों की वैल्यूज मेरे को देखनी है, रिलेशनशिप में क्या मेंटेन कर रहा हूँ वो मेरे को देखना है, और एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। सोशल लाइसेंस यानी कि वही जो समाज के साथ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ना, उसके बारे में। और इसमें एक और चीज आती है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन यानी कि मेरा क्या रिश्ता है बैंक वगैरह के साथ, बैंक वगैरह जो कि मेरे को लोन देती है, ठीक है। समाज वगैरह की इसमें क्या आती है? बातें आती है। मैंने बोला ठीक है, सारी कम्युनिटीज में ले लूंगा, सारे स्टेक होल्डर्स जो भी मेरे शेयर होल्डर्स है वगैरह वगैरह, जितना भी सोशल कैपिटल है पूरा का पूरा समाज उठा के मैं इस पॉइंट में डाल दूंगा। अगला क्या है? हिज फादर मदर नानी, एफ, एफ फॉर फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि पूल ऑफ फंड्स, जो पैसा अवेलेबल है ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बारे में बात चल रही है। यहाँ पे डेट से पैसा उठाए, इक्विटी से पैसा उठाए, गवर्नमेंट ग्रांट मिला, अलग अलग प्रकार से
पैसा उठाया होगा उसके बारे में बात चल रही है, पूल ऑफ फंड्स के बारे में बात चल रही है। अगला क्या है ना, फादर मदर, मदर यानी कि एम, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। तो अगर आपने देखा होगा इंटेलेक्चुअल कैपिटल में इनटेंजिबल एसेट्स आई थी, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में टेंजिबल एसेट्स आएगी, यानी कि इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो होती है ना वो सारी होती है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यानी कि मशीनरी से क्या होगा, गुड्स प्रोड्यूस हो पाएंगे, प्रोविजन ऑफ सर्विस हो पाएगा, यानी कि कंपनी को गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल कराने में ये क्या रहेगी, मददगार रहेगी। ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल मेरे को चिप्स बनानी है तो चिप्स की मेरे पास क्या होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात चल रही है। ठीक है सर, जो गुड्स और सर्विसेज में बना रहा हूँ उसमें मददगार रहेगी मेरी मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। और क्या आएगा आखिरी में, एन, नानी, हिज फादर मदर नानी, तो एन यानी कि नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल यानी कि मेरे पास जो भी हवा है, पानी है, बिजली है, समझ रहे हो, एयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल कैपिटल होता है। क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी इंपैक्ट करती है नेचुरल कैपिटल को भी। क्या आ गया सारा, वाटर, लैंड, मिनरल, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम हेल्थ, यानी कि सब आ गया, हवा, बिजली, पानी वगैरह वगैरह, समझ गए मेरी बात को। मैंने बोला हाँ, हिज फादर मदर नानी क्या है, ये मेमोरी टेक्निक है। एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इंटेलेक्चुअल, एस फॉर सोशल, एफ फॉर फाइनेंशियल, एम फॉर मैन्युफैक्चर्ड और एन फॉर नेचुरल। मैंने बोला हाँ जी सर, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। उसके बाद देखो सर, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया पैसिफिक रीजन जो है ना वो सबसे ज्यादा ESG रिपोर्टिंग करता है। कितना सर, अप्रोक्सीमेटली विद 60% ऑफ द कंपनीज रिपोर्टिंग इन 2022, यानी कि जितनी भी कंपनियां थी एशिया पैसिफिक रीजन में उसमें से 60% कंपनियां क्या करती है, अपनी एनवायरमेंटल की रिपोर्टिंग देती है। और मिडल ईस्ट में भी बहुत ज्यादा फेमस है हमारी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। ग्लोबल सिनेरियो इन वेरियस कंट्री, सबसे पहले बात करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स की। तो क्या लिखा हुआ है, मार्च 2022 में जो यूएस सेक था, यूएस सेक यानी कि यूएस का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसने बोला क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर के बारे में अपने को डिस्क्लोजर करना है। तो देखो चार तरह की बातें हैं ना रिपोर्ट करनी है यूएस में, मेरे साथ साथ रिपीट करना, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फाइनेंशियल, रिस्क मैनेज एनालिसिस, 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 रिस्क मैनेजमेंट। पहले मेरे को क्या देखना है, क्लाइमेट का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, फिर मेरे को क्या देखना है ये रिस्क कैसे इंपैक्ट करेगी मेरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और तीसरा मेरे को क्या देखना है ये रिस्क को मैं मैनेज कैसे कर सकता हूं, और चौथा मेरे को देखना है सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है सर, मैं क्या बोल रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फाइनेंशियल, रिस्क मैनेज एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क फाइनेंशियल, रिस्क मैनेज एनालिसिस। देखो पहला क्या देखना है, क्लाइमेट का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये रिस्क कैसे इंपैक्ट करेगी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, रिस्क मैनेज और सिनेरियो एनालिसिस। मैंने बोला ठीक है सर, ये था यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। अब बात आती है यूके के बारे में। तो यूके है ना, यूके, यूके के लोगों को देख के मेरे को एक ही चीज आती है, हंसी। तो डिस्क्लोजर मैं किस चीज का करूंगा इधर, हंसी का डिस्क्लोजर करूंगा। यूके ESG डिस्क्लोजर दिए हुए उनके कंपनीज एक्ट 2006 में, ये सारी कंपनियों को नहीं लगते, ये खाली लार्ज कंपनियों को लगते हैं जो कि या तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या तो जिनका टर्नओवर किससे एक्सीड कर रहा है, मैंने बोला पाउंड 500 मिलियन से ज्यादा है, पाउंड 500 मिलियन से क्या है, ज्यादा है जिनका टर्नओवर, या तो जिनके पास 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, खाली ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को ही लगता है। इसमें हंसी का डिस्क्लोजर मेरे को करना है, हाँ हंसी बन गए, बस वही हंसी। कौन सी हंसी, ह्यूमन राइट्स के बारे में करूंगा, एंटी करप्शन के बारे में करूंगा, सोशल मैटर्स, एम्प्लॉइज और एनवायरमेंट, ये हंसी के बारे में ही मैं क्या करूंगा, डिस्क्लोजर करूंगा। ठीक है, ये किस में करूंगा, तो मैंने बोला ये डिस्क्लोजर ऑफ हंसी में करूंगा यूके के केस में। डन सर, अगला, ये सब कुछ काम का नहीं है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR। BRSR की जो रिपोर्ट है ना वो मैंडेटरी हो गई है 2022-23 से, उसके पहले क्या थी, वॉलंटरी थी 2021-22 तक। अब इसमें ना तीन सेक्शन बनते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो जनरल डिस्क्लोजर है ना उसमें धंधे के बारे में बात होती है, धंधे की डिटेल, धंधे की डिटेल यानी कि डिटेल्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, क्या प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, क्या सर्विस में दे रहा हूँ, मेरे ऑपरेशन क्या है, मेरे एम्प्लॉइज कौन है, मेरे होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी कौन है, वो सारे जनरल डिस्क्लोजर। सेक्शन बी आता है मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर, इधर होती है सारी मैनेजमेंट की डिटेल, यानी कि पॉलिसी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, गवर्नेंस, लीडरशिप, ओवरसाइट, सारी मैनेजमेंट की बातें होती है सेक्शन बी में। और सेक्शन सी क्या है ना, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, इधर क्या होता है ना KPIs को मैं दो कैटेगरी में बांट देता हूं। तो देखो KPI यानी कि क्या होता है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको मैं दो कैटेगरीज में बांट देता हूं। KPI वो चीज होती है जिसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। अब देखो इसके बाद आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 principles ऑफ NGRBC। तो NGRBC का फुल फॉर्म क्या होता है ना, देख लो कदाचित MCQ में आ जाए तो आपको, नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ये होता है हमारा NGRBC का फुल फॉर्म, दो बार पढ़ना है आपको, बस याद होता है तो ठीक है। देखो सर यहाँ पर मैं बात करता था KPIs की, तो KPIs होती है दो, एक होती है एसेंशियल इंडिकेटर्स, एक होती है लीडरशिप इंडिकेटर्स। जो एसेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होते हैं, और जो लीडरशिप इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स होते हैं। मैंने बोला ठीक है सर। तो देखो सर एसेंशियल इंडिकेटर्स है, आपको इसका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एसेंशियल इंडिकेटर्स में क्या क्या चीजें होती है, लीडरशिप इंडिकेटर्स में क्या क्या चीजें होती है। तो एसेंशियल इंडिकेटर में ट्रेनिंग प्रोग्राम की बातें चलती है और एनवायरमेंटल डेटा होता है, जबकि लीडरशिप इंडिकेटर में क्या होता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट की बातें चलती है और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की बातें चलती है, और कोई भी एडिशनल डेटा आ सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन
बन सकता है, या तो इसका आपको एमसीक्यू बन के आ सकता है। क्या कर लेना, टू टाइम्स रीड मार लेना, ठीक है, टू टाइम्स क्या मार लेना, रीड मार लोगे तो चल जाएगा, ठीक है। मैंने बोला हाँ जी, क्या होता है एसेंशियल इंडिकेटर, लीडरशिप इंडिकेटर। एसेंशियल इंडिकेटर होता है मैंडेटरी और ये लीडरशिप होता है अपना ऑप्शनल, ठीक है। इसमें बात किसकी चलती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के एनवायरमेंटल लेता की, इसमें बात चलती है लाइफ साइकिल असेसमेंट की, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की, ठीक है सर, समझ गए। तो मैंने देखा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर दो आते हैं अपने बाइफरकेशन, एसेंशियल इंडिकेटर और लीडरशिप इंडिकेटर। सेक्शन ए किसकी बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, सेक्शन बी किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की बातें करता है। अब बात बड़े ध्यान से समझना, नाइन प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। अब बात समझो, दो हैं इसमें एनवायरमेंट के, तीन है इसमें सोशल के, चार है इसमें गवर्नेंस के, तो टोटल मिला के क्या बन गया, ईएसजी बन गया, ठीक है सर। तो ऐसे करके बन गए 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, टोटल बन गए 9, जिसमें से 2 ई के हैं, 3 एस के और 4 जी के हैं, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के, ठीक है। मैंने बोला देखो एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको सारे पॉइंट रीड करने हैं, लेकिन खाली 4-5 ही आपने याद रख लेने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 याद रख लोगे तो भी चलेगा। प्रिंसिपल वन क्या है ना, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है सर। एथिक्स यानी कि आपको क्या रहना है, बायसनेस नहीं करनी आपको, एकदम जैसे अपन पढ़ते हैं ना प्रोफेशनल एथिक्स, आपको क्या रहना, सच्चा रहना, इंडिपेंडेंट रहना है। अब देखो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, एथिक्स का उल्टा वोड का। एथिक्स तो क्या होता है ना, मैं एकदम एथिकल बंदा रहा हूं, मैं एकदम सच्चा बंदा रहा हूं, लेकिन उसका उल्टा क्या होता है, वोड का लगा ली सर मैंने, ठीक है। तो वोड का वी फॉर वैल्यू चेन, ओ फॉर आउटसाइड, डी फॉर डिस्क्लोजर, के फॉर इधर मैंने काम निकाला है यहां पे, और ए फॉर अवेलेबल। अब देखो क्या बोल रहा है ना, सबसे पहले एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी है। तो क्या लिखा है ना, एंटिटीज इन द वैल्यू चेन शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट दीज प्रिंसिपल्स बाय द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है ना, कि मेरे को मोटिवेट करना है, मेरे वैल्यू चेन में जितनी भी एंटिटीज है ना, उनको भी मेरे को मोटिवेट करना है कि आप भी एथिकल काम करो। सर वैल्यू चेन यानी कि मेरे सप्लायर को भी और मेरे कस्टमर को भी, मेरे वैल्यू चेन में जो भी आ रहा है ना, मैं उनको मोटिवेट करूंगा कि आप भी क्या है ना, ऐसे एडॉप्ट करो प्रिंसिपल्स जिसमें एथिक्स फॉलो हो, ठीक है, ये होगा भी। ओ फॉर द एंटिटी शुड प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द आउटसाइड एंटिटीज That violate the nine principles of BRSR, यानी जिन लोगों ने भी ये नाइन प्रिंसिपल्स का उल्लंघन किया ना, मैं उनको बोलूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके मैं प्रोएक्टिवली क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड, उनको मैं प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करूंगा। कौन कौन आ गए, मेरे सप्लायर, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे सब कॉन्ट्रैक्टर, रेगुलेटरी ऑफिसर्स, सब लोग इसमें आ गए। जो भी ये नाइन प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करेगा, मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ, आउटसाइड एंटिटीज वाले लोग हैं, मैं उनको क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। अब आते हैं डी, डी फॉर क्या लिखा हुआ है, मोर केयर हैज टू बी टेकन फॉर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर, यानी एंटिटी को सारा का सारा जो भी है डिस्क्लोजर उनको अच्छे से करना है, अपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को मीट करना है। अगर तो कोई एडवर्स इफेक्ट्स हुए हैं, तो मान लो आपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, एडवर्स इफेक्ट्स हुए, तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। के फॉर काम, काम का मतलब पता है क्या है, एंटिटीज गवर्निंग स्ट्रक्चर शुड डेवलप पॉलिसीज, पॉलिसीज बनानी चाहिए फॉर देयर ऑफिसेस, फैक्ट्रीज एंड वर्क एरियाज, एंश्योरिंग दैट एथिक्स इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, यानी कि एथिक्स मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या बनाना है ना, ऑफिसेस में आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है, यानी ऑफिस क्या होती है, काम की जगह होती है, ठीक है। इधर काम की जगह पे आपको क्या बनानी है, पॉलिसीज बनानी है। और ए फॉर क्या है ना, इन्फॉर्मेशन जो भी है ना पॉलिसीज की, ये अवेलेबल करवा दो सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर्स को। मैंने बोला ठीक है सर, बोर्ड का पता चल गया आपको। बी फॉर क्या, वैल्यू चेन, वैल्यू चेन वाली एंटिटीज को भी आपने मोटिवेट करना है कि एथिक्स फॉलो किए जाए। आउटसाइड एंटिटीज का ओ था, यानी कि जो भी आउटसाइड एंटिटीज है ना, उन लोगों ने अगर उल्लंघन किया नाइन प्रिंसिपल्स का, तो उनको क्या करना है, आप लोगों को प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है। एडवर्स इफेक्ट्स के केस में आपको डिस्क्लोजर देना है, डी फॉर डिस्क्लोजर। और के फॉर क्या, काम वाली जगह पे मेरे को ऐसी पॉलिसीज मेंटेन करनी है और अवेलेबल करवाना है स्टेक होल्डर्स को, वो हो गया मेरा ए, ठीक है। मैंने बोला हाँ, ए मेरा हो गया। प्रिंसिपल नंबर टू क्या आते हैं ना सर, समझना बड़े ध्यान से, सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज। अब देखो सेफ, सेफ का उल्टा क्या होता है ना, आरआरआर, पता है आरआरआर पिक्चर में कितने डेंजर डेंजर वो लोग स्टंट कर रहे थे, सेफ का एकदम उल्टा हो गया, ठीक है सर। सेफ एंड सस्टेनेबल गोल्स एंड सर्विसेज का उल्टा क्या हो गया अपना, आरआरआर। अब बात समझ दो सर, इसमें क्या है, तीन चीजें हैं, पहला आ रहा है रिसोर्स के लिए, अगला आ रहा है राइट के लिए, और तीसरा आ रहा है रिड्यूस के लिए, ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिजाइंड बाय द एंटिटी, पहला पॉइंट, व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिजाइंड बाय द एंटिटी, द प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव टू बी डिवाइडेड इन सच अ वे सो एज टू मिनिमाइज द रिसोर्स यूसेज, यानी कि कंपनी को क्या ट्राई करना है ना, कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट बना रही है ना, तो कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट को बनाए, ज्यादा रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी मैं चीज बना रहा हूँ, उसमें किसकी जरूरत है, मैंने बोला पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, तो मेरे को ट्राई करना है कि कम से कम पानी में वो चीज बन जाए। उसके बाद एंटिटीज आर रिस्पॉन्सिबल टू एजुकेट एंड मेक अवेयर देयर कंज्यूमर्स, ठीक है, अबाउट देयर राइट्स, यानी कि मेरे को है ना कंज्यूमर्स को उनके हक की आवाज के बारे में उनको क्या बताना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, जागो ग्राहक जागो का मुहिम मेरे को चलाना पड़ेगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरे कस्टमर्स को एजुकेट करूंगा उनके राइट्स के बारे में। और तीसरा है, मैं रिड्यूस कर दूं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर्स रिसोर्सेज, मैं क्या करूं, रिड्यूस करूं, रियूज करूं, रिसाइकिलिंग करूं। जैसा कि आपको पता है बैंगलोर में पानी की क्या पड़ गई है, कमी पड़ गई है, तो आपको रिड्यूस करना है, रियूज करना है, रिसाइकिल करना है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन आपको नहीं करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया पानी है तो मैं उसको अनलिमिटेड वापरूंगा, ऐसा सब मत करना, ठीक है। प्रिंसिपल थ्री आता है, प्रमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को क्या चाहिए सर, सिंपल से
ना मेरे ट्रिक को समझो, एम्प्लॉयज को क्या चाहिए। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनको टाइम पे पेमेंट मिल जाए, एम्प्लॉयज चाहते हैं कि उनको लिविंग वेजेस मिल जाए, लिविंग वेजेस यानी कि इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है ना उतने उनको वेजेस मिल जाए, ये हो गए पेमेंट के बारे में। और एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, उनका वर्क एनवायरमेंट सेफ हो, उनके वर्क एनवायरमेंट पे हैरेसमेंट ना हो और उनको वर्क लाइफ बैलेंस मिले, WLB मैंने बोला। हाँ बस ये 5 पॉइंट आपने याद कर लिए आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, बाकी की एक बार पढ़ लेना अगर टाइम मिला तो, नहीं तो भाड़ में जाए। क्या होगा ना सर, बिजनेस हैव टू इंश्योर टाइमली पेमेंट, सबसे पहले तो अपन ये पॉइंट देखा क्या चाहिए मेरे एम्प्लॉयज को, टाइमली पेमेंट चाहिए। दूसरा उनको चाहिए लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। फिर मैंने देखा तीन तरह का उनका वर्क एनवायरमेंट चाहिए, पहला उनका वर्क एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, सेफ और हाइजीनिक होना चाहिए। दूसरा उनका जो वर्क एनवायरमेंट है ना उधर उनको वर्क लाइफ बैलेंस मिलना चाहिए, और तीसरा क्या बोल रहा हूँ उधर उनका हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ हैरेसमेंट और फ्री ऑफ वायलेंस होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए। अगली बात आती है प्रिंसिपल 4, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आप अपने स्टेक होल्डर्स का रिस्पॉन्स, आप अपने स्टेक होल्डर्स का रिस्पेक्ट करो। सर आप अपने स्टेक होल्डर्स का रिस्पेक्ट पता है कैसे करोगे, जब है ना आप उन लोगों से कम्युनिकेट करोगे ना तो स्टेक होल्डर्स को लगेगा कि हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है। जब आप उन लोगों से ऑपरेशन के बारे में बातें करोगे ना तो स्टेक होल्डर को लगेगा कि हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है, और जब आप उन लोगों के साथ बेनिफिट शेयर करोगे ना तो स्टेक होल्डर्स को लगेगा कि उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। स्टेक होल्डर्स को कब लगेगा उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है, जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, जब आप उनके साथ ऑपरेशन की बातें करोगे, जब आप उनके साथ बेनिफिट शेयर करोगे, तब स्टेक होल्डर्स को लगेगा कि हमारी रिस्पेक्ट की जा रही है। तो सबसे पहला क्या है ना, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है और कम्युनिकेट करना है जो भी बातें आपको अपने स्टेक होल्डर्स को बतानी है इंपैक्ट के बारे में, ठीक है सर। कोई भी बात है बिजनेस के बारे में, बिजनेस डिसीजंस के बारे में बातें, इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशंस के बारे में बातें, सारे के सारे ट्रांसपेरेंट रहो और कम्युनिकेट करो। दूसरा क्या करो ना, मैंने क्या बोला, ऑपरेशन की बातें उनको बताओ, यानी कि बातें उनको बताओ इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर ऑपरेशन, जो भी धंधे में क्या चल रहा है वो सारी बातें उनके साथ शेयर करो और उनके साथ बेनिफिट्स को शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना तो उसमें से 30 रुपया दो ना अपने स्टेक होल्डर्स को, 70 रुपया खुद रखो, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ डिविडेंड के रूप में दे दो ना शेयर होल्डर्स को, तो जब आप बेनिफिट शेयर करोगे ना तो फिर क्या होगा, रिस्पेक्ट होगी उनकी। लिखा हुआ है रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट कब होगी, तीन केस में होगी, पहले तो जब आप कम्युनिकेट करोगे, दूसरा जब आप ऑपरेशन के बारे में बातें करोगे, और तीसरा तो जब आप उनके साथ क्या करोगे, बेनिफिट्स को शेयर करोगे। अगला आता है रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। तो देखो सर ह्यूमन राइट्स है ना, ह्यूमन राइट्स इसका मेमोरी टेक्निक क्या है सर, ठीक है सर, समझो इंटीग्रेट करो रिस्पेक्ट करो, सर समझो इंटीग्रेट करो रिस्पेक्ट करो, एस फॉर समझो, आई फॉर इंटीग्रेट करो, आर फॉर रिस्पेक्ट करो, ह्यूमन राइट्स का मेमोरी टेक्निक है सर। यानी के जो ह्यूमन के राइट्स है ना, जो बेसिक नॉर्मल ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहला तो एंटिटीज को क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की, और ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेरियस वेज बाय विच ह्यूमन राइट्स कैन बी वायलेटेड, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कैसे किया जा सकता है, उनको उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे ह्यूमन राइट। उसके बाद इंटीग्रेट आपको करने पड़ेंगे ह्यूमन राइट्स अपने पॉलिसीज में, यानी कि जब आप अपने कंपनी के अंदर की पॉलिसीज SOPs फ्रेम कर रहे हो ना तो उसमें ह्यूमन राइट्स को इज्जत दो, ठीक है। सबको बात करने का हक होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, किसी के साथ भी हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट है बेसिक वाले, इनका ध्यान में रखना। और तीसरा आपने रिस्पेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करो, उनका उल्लंघन मत करो, उनको फॉलो करो। तो समझो इंटीग्रेट करो रिस्पेक्ट करो ह्यूमन राइट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट की मेमोरी टेक्निक है R5, R5 यानी कि रेक्टिफाई रिसोर्सेज रिसिलियंस परफॉर्मेंस का देखो मैंने आर उठा लिया है दोनों ही केस में, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ रेक्टिफाई यानी कि पता है क्या कर रहा है, अगर आपने कुछ एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया ना तो आपको उनके इंपैक्ट्स को क्या करना है सर, रेक्टिफाई करना है। पहला आर इज फॉर रेक्टिफाई। दूसरा है रिसोर्सेज, कंपनी को है ना यूज करना है नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज ऑप्टिमम मैनर में, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसको देखना है कि कम से कम मैं कैसे यूज कर सकता हूँ नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज, उसको एक कॉम्बिनेशन पता करना है। अगला है रिसिलियंस, रिसिलियंस यानी का मतलब वही होता है रिकवरी आपको लानी है, क्लाइमेट चेंज रिसिलियंस, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आपको पता है बिन मौसम अभी कभी भी बारिश हो जा रही है, गर्मी पड़ रही है ज्यादा, तो ठीक है उसका आपको क्लाइमेट चेंज रिसिलियंस करना है, रिकवरी करनी है आपको, उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना है आपको, उसके लिए स्टेप्स लेने की, ये जो क्लाइमेट है वापस से पहले जैसा अच्छा कैसे किया जा सकता है। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। अगला है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी कि एंटिटी को कंपैरिजन करना है इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, यानी कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है एनवायरमेंट के लिए वो मेरे को चेक करना है, और उसके साथ मेरे को क्या करना है, मेरे परफॉर्मेंस को बढ़ाते जाना है इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, मैं वो कंपेयर करना है। एंटिटी शुड एक्सप्लोर द कंपैरिजन ऑफ इट्स एक्टिविटीज विद इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस में देखो मेरा कॉम्पिटिटर कैसे रिड्यूस कर रहा है, रियूज कर रहा है, रिसाइकल कर रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। और
अगला क्या है ना, कंपनीज हैव टू लुक आउट फॉर एवेन्यूज बाय विच दे कैन इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो बात वही है, परफॉर्मेंस को क्या करना है, वापस से जरा कि मेरे को इंप्रूव करना पड़ेगा मेरे परफॉर्मेंस को। मैंने बोला ठीक है सर, मेरे को एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ये सारी बातें हैं। तो ठीक है, पहला क्या था, रेक्टिफाई, ये रहा रेक्टिफाई। दूसरा क्या है, रिसोर्सेस, तो ये रहा रिसोर्सेस। तीसरा आर क्या है इसके लिए, रिसिलियंस के लिए, ये रहा रिसिलियंस। फिर चौथा किसके लिए, तो मैंने बोला परफॉर्मेंस के लिए, ये रहा परफॉर्मेंस। और पांचवा किसके लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ये रहा परफॉर्मेंस। ठीक है सर, पांच पॉइंट अपन ने याद करने, तो पांच पॉइंट अपन ने याद कर लिए। और ये एक एक्स्ट्रा वाला पॉइंट था जो कि आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी नहीं भी करोगे तो चलेगा। पांच पॉइंट अपने लिए क्या है, इनफ है। ठीक है, मैंने बोला हाँ। अगला आता है प्रिंसिपल 7, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। तो पॉलिसी कौन बनाता है, सीबीआई बनाता है पॉलिसी, सीबीआई। ठीक है, ये क्या है ना, मेमोरी टेक्निक है, कॉम्पिटिशन बीआरएसआर इंडस्ट्री। सीबीआई का मतलब क्या, कॉम्पिटिशन बीआरएसआर इंडस्ट्री, यानी कि जब कभी भी कॉम्पिटिशन, देखो जब कभी भी आप पॉलिसी बनाओ ना, तो पहले क्या है ना, रोल इन पॉलिसी एडवोकेसी बाय द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन सच अ वे दैट इट एनकरेजेस फेयर कॉम्पिटिशन। यानी कि किसको ध्यान में रखना है अपने को, कॉम्पिटिटर्स को अपने को ध्यान में रखना है, उस हिसाब से अपने को क्या बनाना है, पॉलिसी बनाना है, फेयर कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने बोला फिर बीआरएसआर, बीआरएसआर यानी कि कोर एलिमेंट्स ऑफ बीआरएसआर आर टू हैव मेट होलिस्टिकली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन गो एड विद कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी एडवोकेसी। पॉलिसी फॉर्मुलेट यानी कि पॉलिसी बनाना, और पॉलिसी एडवोकेसी यानी कि पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। तो इसमें अपने को कोर एलिमेंट्स ऑफ बीआरएसआर को ध्यान में रखना है। सर कोर एलिमेंट्स ऑफ बीआरएसआर क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये जो नाइन प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो ना, ये बीआरएसआर के ही तो पढ़ रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको बोला था बीआरएसआर, ये रहा देखो, यहाँ पे पता है मैंने बोला था आपको नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट, ये होता है बीआरएसआर, समझ रहे हो। यहाँ पे नाइन प्रिंसिपल्स ऑफ बीआरएसआर, ठीक है सर, आप नाइन प्रिंसिपल्स किसके पढ़ रहे हो, तो मैंने बोला नाइन प्रिंसिपल्स में बीआरएसआर के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो बीआरएसआर जो है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो मेरा रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग की जो मेन बॉडी होती है ना बीआरएसआर, उसके कोर एलिमेंट्स को मेरे को क्या रखना है सर, उसके कोर एलिमेंट्स को मेरे को ध्यान में रखना है। और अगला क्या हो गया, आखिरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी कि कलेक्टिव एसोसिएशन सच एज द ट्रेड ग्रुप एंड इंडस्ट्री चैंबर्स। तो इंडस्ट्री चैंबर्स को मेरे को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल पता है, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जो हमारे लेबर होते हैं, उनका एक ट्रेड यूनियन वगैरह होते हैं, इंडस्ट्री के चैंबर्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता हो तो सारी जितने भी इंडस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एफएमसीजी इंडस्ट्री, तो उनका एक चैंबर अलग होता है, समझ रहे हो। इन सबको मेरे को ध्यान में रखना है पॉलिसी बनाते वक्त। मैंने बोला ठीक है सर, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सीबीआई को, कंपटीशन को, बीआरएसआर को, इंडस्ट्री को। कंपटीशन को यानी कि मैं फेयर कंपटीशन करूंगा, मैं कोर एलिमेंट्स ऑफ बीआरएसआर को ध्यान में रखूंगा, और मैं इंडस्ट्री चैंबर्स को ध्यान में रखूंगा। ठीक है सर, मैंने बोला। अगला आता है प्रिंसिपल हमारा, प्रिंसिपल नंबर 8, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो आपको इक्विटेबल डेवलपमेंट कब मिलेगा सर, सिंपल सी बात समझो, जब आप क्या करोगे ना, देखो गरीब कम्युनिटीज का ध्यान रखोगे तब, ठीक है, और जब आप एनवायरमेंट पे इंपैक्ट नहीं आने दोगे ना तब, समझ रहे हो। मैंने बोला हाँ, कब, कम्युनिटीज और इंपैक्ट, ये इसका क्या है ना, मेमोरी टेक्निक है। तो तीन पॉइंट अपने कम्युनिटी के क्या है ना सर, समझो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंक्लूसिव ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, तो आपको क्या करना है पता है, आपको है ना ऐसे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिससे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की हेल्प हो। मार्जिनलाइज कम्युनिटी यानी कि जो गरीब कम्युनिटी है, जो रूरल एरियाज में है, उनकी हेल्प हो ना, ऐसे आपको क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाने हैं। तो ये था पहला कम्युनिटी। दूसरा, एंटिटी जब अपना सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी को वो कर रही है ना डिजाइन, तो उनको रिव्यू करना है लोकल और रीजनल डेवलपमेंट, इस तरीके से वो लोग एक्टिविटी करने के जो रूरल डेवलपमेंट है ना, रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट हो। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ, किन का, तो मैंने बोला मार्जिनलाइज कम्युनिटीज वालों का भी डेवलपमेंट हो, ये था दूसरा पॉइंट मेरा कम्युनिटीज का। और तीसरा मेरे को क्या देखना है ना, रिलोकेशन नहीं होना चाहिए कम्युनिटीज का। आजकल पता है क्या हो रहा है, गांव खेड़ों को काट के वो लोग इंडस्ट्रीज बनाने, तो मेरे को यही देखना है कि डिस्प्लेसमेंट या तो फिर रिलोकेशन है ना, डज नॉट हैपन, नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है ना, तो मेरे को उनको क्या देना है, फेयर कॉम्पनसेशन देना है। मैंने बोला ठीक है, तीन पॉइंट आ गए कम्युनिटी के, कम्युनिटी के लिए क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाना है, कम्युनिटी के लिए मेरे को क्या करना है, मैंने बोला कि रीजनल डेवलपमेंट पे उनके ध्यान देना, और रिलोकेशन उनका नहीं होना चाहिए। दो आगे, और बाकी के दो किसके पॉइंट है, इंपैक्ट के। इंपैक्ट यानी कि एंटिटीज के पास सिस्टम होना चाहिए टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द इंपैक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज ऑन द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। एंटिटी को देखना है कि उनके एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट आ रहा है समाज पे। और दूसरा, ये जो इंपैक्ट है ना, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला मेरे को क्या देखना, इंपैक्ट आ क्या रहा है, दूसरा क्या है, ट्रैक करना पड़ेगा मेरे को इंपैक्ट। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। और अगला आ रहा है प्रिंसिपल नंबर 9, प्रोवाइड वैल्यू टू द कंज्यूमर्स इन रिस्पॉन्सिबल मैनर। आपको कंज्यूमर्स को क्या देना है ना, वैल्यू देनी है। तो कस्टमर को वैल्यू कब मिलेगी, देखो
पहला कस्टमर को वैल्यू मिलेगी आरआरआर देख के, दूसरा कस्टमर को वैल्यू मिलेगी जब वो मिसलीडिंग एड नहीं देखेगा, ठीक है। मिसलीडिंग एड से क्या होती है ना, वैल्यू घट जाती है, तो वैल्यू कब मिलेगी जब वो मिसलीडिंग एड नहीं देखेगा, जब उसका ग्रीवेंस टाइमली रिजॉल्व होगा, जब उसकी प्राइवेसी बनी रहेगी, जब उसकी फ्रीडम बनी रहेगी, तो उसको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू कब कब मिल जाएगी, पांच केस में मिल जाएगी। पहली वैल्यू उसको कब मिलेगी, जब वो आरआरआर पिक्चर देख के आएगा तो उसको वैल्यू मिल जाएगी, मिसलीडिंग एड नहीं देखेगा तो वैल्यू मिल जाएगी, उसका ग्रीवेंस सॉल्व हो जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी, प्राइवेसी और फ्रीडम उसका मेंटेन रहेगा तो उसको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो आरआरआर देखो क्या है, सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट अपना आरआरआर। आरआरआर का मतलब क्या है ना सर, समझो, एंटिटी शुड इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स ऑन द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल वेज ऑफ यूसेज, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। यानी एंटिटी है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करे। तो मैंने बोला किसके बारे में इन्फॉर्म करे, कि आपको कैसे प्रोडक्ट को रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, डिस्पोजल आपको कैसे करना है प्रोडक्ट का, इन शॉर्ट रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये जो है ना, इसके बारे में क्या करना चाहिए, एंटिटी को जानकारी देनी है अपने कस्टमर्स को। फिर मिसलीडिंग एड, तो क्या लिखा हुआ है, जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना प्रोडक्ट की, तो फिर उसमें कुछ भी मिसलीडिंग चीज को यूज मत करो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी पतंजलि पे रोक लगा दी गई है क्योंकि वो मिसलीडिंग एड कर रहा था अपने दवाई के बारे में, तो ऐसा आपको नहीं करना है, मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन आपको एक्सपोज नहीं करनी है। उसके बाद ग्रीवेंस सॉल्व, यानी कि अगर कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत आती है तो उनके पास बढ़िया वाला ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, कस्टमर कोर्ट में वो लोग जा सकते हैं, अपनी रेज देयर वॉइस कर सकते हैं, यानी कि अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगला है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब पता है क्या है, कस्टमर के पास राइट है टू प्राइवेसी, व्हेन हैंडलिंग कस्टमर डेटा द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर नीड्स टू बी मेंटेन। यानी कंपनी के पास है ना आपकी बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो कस्टमर की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को कंपनी बाहर लीक नहीं कर सकती। और आखिरी आता है फ्रीडम, यानी कि कस्टमर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो जिधर भी जाना चाहे जा सकती है, आपका प्रोडक्ट खरीद दे तो खरीद सकती है, कॉम्पिटिशन का खरीदना हो तो आपके कॉम्पिटिटर का भी खरीद सकती है, आप दबाव नहीं डाल सकते हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फेयर कॉम्पिटिशन मेंटेन रहना चाहिए। कस्टमर का मर्जी है, चाहे तो आपका प्रोडक्ट खरीदे, चाहे तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीदा जाए, ठीक है। मैंने बोला हाँ जी, ये होते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR, ठीक है। ये है BRSR सर, ठीक है। तो जो BRSR की जो रिपोर्टिंग है ना सर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग, तो पहले है ना, सेबी हैज करंटली स्टार्टेड विद द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी में टॉप 1000 कंपनी है ना उनको ही लगेगी। हाँ, आगे आने वाले टाइम में ये लोग बाकियों पे भी ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले, बाकियों पे भी ये वाले रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये लोग लगाने वाले हैं। उसके बाद अगली बात समझ लो सर, SSAE 3000 का मतलब पता है क्या है, स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट 3000, SSAE 3000। तो देखो बात ऐसी है ना, ये वॉलेंट्री बेसिस पे लगेगा फॉर पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 23, और मैंडेटरी बेसिस पे लगेगा फॉर पीरियड एंडिंग ऑन और आफ्टर 31 मार्च 24। एमसीक्यू के लिए पॉइंट है, कब वो वॉलेंट्री के लिए लेगा, कौन से साल में वो क्या मैंडेटरी हो जाएगा। अब बात समझो, मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन BRSR, ये बनेगा आपका 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है ना सर, समझो, रिपोर्ट, फाइंडिंग्स, रिपोर्ट। पहले बनेगी एक प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ ESG रिपोर्ट, यानी कि ESG रिपोर्ट जो बनी है ना उसका ऊपर ऊपर से पहले प्रिलिमिनरी रिव्यू होगा। उसके बाद उस ESG रिपोर्ट का डीप डाइव वेरिफिकेशन होगा, ऑन साइट असेसमेंट होगा। तो पहले तो क्या बनाना, एक प्रिलिमिनरी रिव्यू बना, फिर होगा डीप डाइव वेरिफिकेशन, फिर इश्यूएंस होगा असेसमेंट रिपोर्ट का। यानी सबसे पहले बनेगी ESG रिपोर्ट जो कि ऊपर ऊपर से बनेगी, फिर मेन वाली अंदर बनेगी असेसमेंट रिपोर्ट, फिर रिस्पॉन्सेस रिव्यू होंगे और मैं फाइंडिंग्स पे क्लेरिफिकेशन दूंगा, फिर वो फाइंडिंग्स का सबमिशन हो जाएगा, और एंड में क्या बनेगी ना, प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। यानी कि फाइनल वाली जो रिपोर्ट है वो एकदम एंड में बनेगी, रिपोर्ट, फाइंडिंग्स रिपोर्ट। अगर मैं इसको एक देखो, पहले क्या बनेगी ESG रिपोर्ट ऊपर ऊपर से बनेगी, यानी कि उसका प्रिलिमिनरी रिव्यू होगा, फिर बनेगा ऑन साइट असेसमेंट यानी वेरिफिकेशन होगा ESG रिपोर्ट का, फिर बनेगी असेसमेंट रिपोर्ट, ये भी बनेगी ऊपर ऊपर से, ठीक है। फिर पता करूंगा मैं फाइंडिंग्स के बारे में, उन फाइंडिंग्स को सबमिट करूंगा, फिर फाइनली जो बनेगी वो एंड में प्रिपरेशन ऑफ असेसमेंट और वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग क्या सर, फाइनल रिजल्ट्स, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ, 5 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आखिरी सवाल सर, रोल ऑफ ऑडिटर क्या रहेगा, ये है मेरा आखिरी सवाल, ठीक है। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा अपना फिनिश। तो देखो, ऑडिटर का रोल क्या है ना, एस से 200 पहले लिख देना, टू ऑप्टेन रीजनेबल एश्योरेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और AFRF के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, ऑडिटर को क्या देखना है ना, ऑडिटर को कंसीडर करना है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स एंड हाउ दीज रिस्क में बी रिलेवेंट टू द ऑडिट। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और ये रिस्क है ना ऑडिट के लिए कैसे रिलेटेड है, वो सारा ऑडिटर को चीजें देखनी है, ठीक है। क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क में बोल सकता हूँ, वही तो ऑडिट से रिलेटेड होगी। उसके बाद, मेनी इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटर रिपोर्ट अबाउट हाउ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स वर एड्रेस्ड इन द ऑडिट। आपको वही देखना है कि आपके ऑडिट रिपोर्ट में क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कैसे बताया गया है, जो भी आपकी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है। उसके बाद, ऑडिटर की जिम्मेदारियां अपने को बतानी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट में, क्या बतानी पड़ेगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में को बतानी पड़ेगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स बताने पड़ेंगे, और जैसा कि आपको पता है मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स किधर आते हैं, EOM पैरा में आते हैं, तो EOM पैरा भी बताना पड़ेगा, और क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, और अदर इन्फॉर्मेशन भी मेरे को देखनी पड़ेगी। SA 720 अगर आपको बताओ तो SA 720 में अदर इन्फॉर्मेशन आती है, वो सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी मेरे को देखनी
पड़ेगी। और ऐसा चैप्टर का एंड वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमिटमेंट कर देना, कमेंट ना जरिए डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन कीप सेलिंग एंड कीप अर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस।